लोग हैं जिनकी जुबान बंद करनी है थोड़ी सी, आजादी में रहना चाहिए। तो आप दिल्ली, अगर आप गुलाम बन के रहना चाहते हो, आप गुलाम बन के रहिए, हमें मत सिखाइए। क्या पता रह भी रहे हो आप, तभी आप किसी, क्योंकि जो है ना नितिन भैया जा चुके हैं अपने घर से, क्योंकि वो एक पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड आई है तो उनको भी एक सेपरेट टाइम चाहिए। तो हम नितिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपने घर गया या जी, तो मैं बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को अलग रखता था पहले भी और अब भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी। हे गाइस, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, नितिन वांस है वो अरमान मलिक की फैमिली से अब घर अपने घर आ चुके हैं। तो इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग अरमान मलिक एंड पायल मलिक के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, या फिर अरमान मलिक की या नितिन की लड़ाई हुई इसी वजह से नितिन अपने घर वापस चले गए हैं। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए पायल मलिक ने बहुत ही नॉर्मल से अपने व्लॉग में बताया है कि नितिन है वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से घर वापस गए हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाह रहे हैं इसी वजह से अपने घर वापस चले गए हैं। तो जैसे पायल मलिक ने अपने व्लॉग में बोला, तो रिसेंटली अगले दिन ही जो नितिन का व्लॉग आता है, नितिन अपने व्लॉग में अरमान मलिक एंड पायल मलिक को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि वे अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से घर वापस नहीं आए हैं, उनको बीच में ना लाया जाए, उनकी पर्सनल लाइफ अलग है एंड वर्क लाइफ अलग है। जैसा कि पायल ने कहा था कि वे अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, तो इसी को लेकर नितिन ने कहा है उनकी पर्सनल लाइफ अलग है, वे उसे बीच में नहीं लाना चाहते। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, इसी वजह से नितिन अपने घर वापस आ चुके हैं। तो व्यूवर्स भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अरमान मलिक के बेटे जैद की तबीयत ख़राब थी, नितिन भी चंडीगढ़ पहुंचे थे लेकिन नितिन जैद को देखने के लिए नहीं गए और ना ही उन्होंने अपने व्लॉग में उसका कोई भी जिक्र किया। तो इसी बात को लेकर व्यूवर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल पैदा हो चुका है, आखिर इन मलिक फैमिली में चल क्या रहा है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलती है न्यू अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।